ओम शांति। आज की तारीख है 27/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे बच्चे पारस बुद्धि बनने के लिए। ध्यान से सुने सभी, जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य और गोपनीय और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते, कैसे वो शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं, ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझ कर स्मरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षा लेने के पुरुषार्थ को करते रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। नंबर दो है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, फिर 84 जन्मों का चक्र अब पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है, हमें पुजारी से पूज्य बनना है। ये स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान सतगुरु शिव पिता का समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से ही तो विजयमाला की विजयी रत्न में विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन है, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख और अशांति से मुक्त करने करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।